हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ट्राई के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ट्राई क्यों चाहती है कि ब्रॉडकास्टर अपने पैक पे डिस्काउंट ना दे, इसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा अलाकाटे और बुके के बीच में जो डिफरेंसेस है, उस पर जो डिस्काउंट मिल रही है उसके खिलाफ है बिल्कुल ट्राई, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इससे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में बताता हूँ कि ट्राई का जो न्यू आदेश है, न्यू कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि ट्राई डिस्काउंट के खिलाफ है। ब्रॉडकास्टर जो डिस्काउंट दे रही है अपने पैकेजेस पे, उसके खिलाफ ट्राई काफी कड़ा एक्शन लेने वाली है। दोस्तों बता दूं, टीवी का लगातार बढ़ते बिल से सभी जनता परेशान है और साथ ही ट्राई में भी बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि टीवी का बिल काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जिसको देखते हुए ट्राई ने फाइनली ये फैसला लिया है कि ब्रॉडकास्टरों पे अब शिकंजा लगाया जाए, यानी कि ब्रॉडकास्टर जो अपने बुके में करीब 40-50% तक डिस्काउंट देते हैं, जिसके वजह से लोग बुके की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और जिससे लोगों का टीवी का बिल इंक्रीज हो जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं अगर बुके और अलाकाटे चैनल के बीच में मौजूदा जो हालात हैं, इसमें अगर आप अलाकाटे वे में अगर 4-5 भी कोई किसी भी ब्रॉडकास्टर के मेन मेन चैनल आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका बिल 350-400 रुपए हो जाता है। अगर वही अगर बुके भी अगर आप लेते हो तो 350-400 के आसपास में आपको लग जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं स्टार, सोनी, कलर्स जी के जो इम्पोर्टेंट 3-4 जो चैनल हैं, जैसे स्टार का स्टार भारत, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स वन, ऐसे 3-4 चैनल्स, और सोनी का आप लोलो, सोनी सब, सोनी पल्स, सोनी मैक्स, सोनी एंटरटेनमेंट 4 चैनल्स, जी का जी न्यूज, जी सिनेमा आपका हो जाता है, एंड टीवी हो जाता है, एंड पिक्चर, ऐसे अगर 4-4 चैनल अगर हर एक ब्रॉडकास्टर का अलाकाटे वाइज में अगर आप लेते हो तो करीब आपका बिल 350-400 रुपए के आसपास चला जाता है। वही अगर बुके वाइज लेते हो तो बुके वाइज भी उतना ही पैसा लग जाता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर यहाँ पे क्या करता है कि अलाकाटे का जो रेट है काफी ज्यादा हाई है और बुके का जो रेट है काफी कम रखा गया है, यानी कि 40-50% तक के रेट डाउन किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ स्टार के बारे में तो स्टार का जो 49 का बुके है वो उसमें आपको 15 चैनल दिया जाता है, उन 15 चैनलों का रेट जो है 75 रुपए है। वही अगर बुके में अगर आप लेते हैं तो 49 रुपए में वो 15 चैनल मिल जाता है। ट्राई यहाँ पे यही शिकंजा लगाना चाहता है कि ट्राई के कहना है कि जो आप 40-50% डिस्काउंट दे रहे हैं उस चीज को आप बंद करें, और ये बंद करवाना क्यों चाहते ट्राई इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज अगर ट्राई अलाकाटे और बुके के बीच का जो रेट डिफरेंस है अगर डिस्काउंट कम नहीं करवाएगा तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे आपका टीवी का बिल लगातार बढ़ता जाएगा। सपोज मान लीजिए अगर 49 में आपको 15 चैनल मिल रहे हैं, उधर इंडिविजुअल जो लेता है उसे 75 रुपए में 15 चैनल मिल रहे हैं, तो इसमें जो 40% का डिफरेंसेस है तो ट्राई का कहना है कि आप 15-20% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। अगर आप ट्राई की बात मानते हुए ब्रॉडकास्टर अगर इम्प्लीमेंट करता है इस रूल को तो जो पैकेज आपको 49 में मिल रहा है वो उसका प्राइस 60-65 रुपए हो जाएंगे। जब 60-65 रुपए अगर किसी पैक का प्राइस हो जाएगा तो कस्टमर्स उसके बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी तो वहां पे लोग इंडिविजुअल लेंगे। जब इंडिविजुअल चैनल सिलेक्ट करेंगे तो इससे ये होगा कि ब्रॉडकास्टरों का चैनल कम सिलेक्ट होगा जिससे उनके टीआरपी डाउन होगी। अगर टीआरपी डाउन होगा तो उनके चैनल का रेट ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बुके में उनका सारा चैनल सेल हो जाता है, जो चैनल इंपॉर्टेंट है वो तो हो ही जाता है, साथ ही बुके में वो भी चैनल डाल दिया जाता है जिसका बिल्कुल टीआरपी ना हो, वो भी चैनल उसी बंच में डाल के बेच देते हैं और वो एड रेवेन्यू से बहुत पैसे कमा रहे हैं, जिससे कस्टमर का तो बिल बढ़ ही रहा है साथ ही ब्रॉडकास्टर अपना फायदा देख रहा है यहाँ पे। ट्राई यहाँ पे यही कोशिश में है कि अगर 15-20% का डिस्काउंट अगर प्रोविजन आता है तो जो आपका 19 रुपए का चैनल है वो 9-10 रुपए पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि 49 रुपए से ज्यादा कोई स्टार का 49 वाले पैक को देने वाला नहीं है। अगर वही अगर उस हिसाब से 49 रुपए के हिसाब से बात करा जाए, उसके 20% अगर आप और इंक्रीज करते हो तो वही पैकेज आपका अलाकाटे में भी 50-60-65 रुपए में आ जाना चाहिए, जब या तो अलाकाटे का प्राइस डाउन करें या तो बुके का प्राइस डाउन करें, तभी ये पॉसिबिलिटीज है कि लोगों का टीवी का बिल कम हो सकता है। तो ट्राई लगातार इसी कोशिश में लगी हुई है, एक कंसल्टेशन पेपर जारी करा है, उसमें ही 15 सितंबर तक सारे ब्रॉडकास्टर्स रिपोर्ट मांगने वाला है कि भाई इसमें क्या संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि ट्राई ने बेसिकली यही फैसला लेने वाला है 30 सितंबर तक कि अगर इसमें कोई संशोधन नहीं होता डिस्काउंट को लेकर तो ट्राई कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन लेगा और रूल में एक बार फिर से चेंजेस देखने को मिल सकता है।
ये सारे अपडेट थे दोस्तों। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।